प्रीपेड टैक्सी लिया है यहाँ से, प्रीपेड इज ऑलवेज बेस्ट। यहाँ से 22 किलोमीटर है और इन्होंने 700 चार्ज किए। आते ही यहाँ पर ऐसे शुरू हो गए सुंदर सुंदर सब। ये ऑनलाइन तो काफी फेमस होटल है इनका एंड वेरी कहीं से भी आऊं जाऊं कहीं पर भी तो मुझे चाय ज़रूरी चाहिए उसके बिना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ वाराणसी और यहाँ अभी मैं खड़ी हूँ T2 टर्मिनल पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे T2 टर्मिनल पर। यहाँ से मेरी फ़्लाइट जाएगी वाराणसी के लिए और 11 बजे मैं पहुँच जाऊँगी। 11:20 अराइवल टाइम है। तो एयरपोर्ट का मैंने आपको कई बार दिखा दिया है व्लॉग में, तो बाकी कैसा एयरपोर्ट लगता है दिल्ली का, T3 टर्मिनल, T2 टर्मिनल मैंने सब दिखा दिए हैं। तो आज मैं वो सब राउंड आपको नहीं देने वाली हूँ, आप लोग वापस मेरे व्लॉग्स में जा कर के वो सब देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चक्कर लगा करके और फिर मेरा बोर्डिंग टाइम हो जाएगा। चलिए वैसे ही आपको एक हल्की सी लुक दिखा देती हूँ। तो दिस इज़ द फूड कोर्ट इनका, T2 टर्मिनल का फूड कोर्ट ऐसा लगता है ये है। थोड़ी सी झलक मैंने दिखा दी आपको। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सकें। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 6E2361. तो वाराणसी के लिए अब मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। इंडिगो की फ़्लाइट है ये, मैं पहली बार इंडिगो से जा रही हूँ आज तक। मैं हमेशा एयर इंडिया से ही गई हूँ, नॉर्मली इंडिगो से तो पहली बार निकल रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था ये बीच में यहाँ पर आ करके जाना पड़ता है। फ्लाइट लैंड कर रही है वाराणसी एयरपोर्ट पर और अब डी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बेल्ट नंबर 1 पर सामान आएगा। अब मुझे यहाँ से जाना है कैंटोनमेंट में, मेरी बुकिंग है सूर्या में, सूर्या होटल कैंट में जो है उसमें वाराणसी कैंट अभी एयरपोर्ट से। अब मैंने प्रीपेड टैक्सी ली है यहाँ से, प्रीपेड इज़ ऑलवेज बेस्ट। यहाँ से 22 किलोमीटर्स है और इन्होंने 700 चार्ज किए हैं प्रीपेड टैक्सी से। तो चलिए अब चलते हैं। ये एयरपोर्ट से निकलते ही ये बाहर का एरिया है, आते ही यहाँ पर ऐसे शुरू हो गए सुंदर सुंदर सब। एयरपोर्ट पे भी इन्होंने ये बुद्धा और सरनाथ और उसका वो बना रखा है। ये मैं सूर्या के लॉबी रिसेप्शन में खड़ी हूँ, चेक इन मैंने कर लिया है और यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखता है। मेरी यहाँ पे 2 दिन की बुकिंग है, आज की और कल की, 29th 30th की। 31st को मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ की बुकिंग नहीं थी, यहाँ मिल नहीं रहा था कहीं और। मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टे बनारस में मिल जाए मुझे। और ये यहाँ से ऐसा कुछ लगता है, ये ऐसा होटल सूर्या, ठीक है, अच्छा है, इसकी लुक्स अच्छी है। मैंने ऑनलाइन देखा था ये, तो मुझे अच्छा लगा था ये होटल, इसलिए मैंने बुक किया था। तो ये अच्छा लगा कि ये वहाँ से इसका होटल का मैं आपको टूर बाद में दूंगी। अभी मैं पहले अपने रूम में पहुँचूँ। ज़रा आपका नाम क्या भैया?
मेरा नाम आदर्श है। नाम आदर्श, आदर्श भैया है ये। रूम नंबर 214 मिला है मुझे, नहीं तो मेरे को ज़्यादातर 4 का वो मिलता है। हाँ, अच्छा गार्डन भी हुआ ये, ठीक है। एक तरी इसमें आ गया ये, और ये है साथ के साथ ही आप देख लो रूम, ये रूम है सिंपल। एंड ये गार्डन भी है, यहाँ पे बालकनी नहीं है, बालकनी है ये, खुल जाता है ये। बाकी वो बाकियों में बालकनी है। हाँ, बालकनी वाला रूम नहीं दे रहे हैं जो मैम रूम बुकिंग है वही दी, वही वाला दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तो ये ऐसे है, ठीक है। मैंने यहाँ केटल में पानी गरम कर लिया है टी बनाने के लिए, तो मुझे चाय तो चाहिए होती है, कहीं से भी आऊँ जाऊँ कहीं पर भी तो मुझे चाय ज़रूरी चाहिए, उसके बिना नहीं काम चलता है मेरा। तो ये बना ली है और विदाउट शुगर ही लूँगी, मैंने चीनी नहीं लेनी होती है, चाय फीकी पीती हूँ। चाय लेकर चलती हूँ। मैंने चाय के साथ लंच में मैंने सोचा है सिर्फ कुलचा खाऊंगी, एक स्टफ्ड कुलचा मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा से मुझे स्टफ्ड कुलचा पसंद है, वैसे भी आलू मसाला कुलचा टाइप ना। तो मैंने मंगाया यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ से आपको झलक मिल रही है रूम की, कैसा रूम है, पूरी झलक मिल रही है। सो एक रूम टूर देने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे इससे। तो ये कुलचा भी निकाला जाए, ये इसके साथ अनियन भेजा इन्होंने एंड पिकल भेजा है, ये लोग दो प्लेट ज़रूर भेजते हैं। क्या सोलो ट्रैवलर्स होते नहीं थे इनके यहाँ पे? उज्जैन में भी मैं गई थी तो दो प्लेट ज़रूर भेजते थे। चलो खाया जाए, देखने में अच्छा लग रहा है, फ्रेश बिल्कुल, ये मिक्स्ड। चलो खाया जाए। तो ये रहा कुलचा, स्टफ्ड कुलचा और अचार और चाय के साथ खाने वाली मैं। ये इधर एक छोटा सा लॉबी एरिया के पास ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है सूर्य होटल में, ठीक है। बाहर से इसका व्यू ऐसे दिखता है। ये ऑनलाइन तो काफ़ी फेमस होटल है इनका, एंड वेरी मतलब बाकी होटल से रीजनेबल है, लाइक ये आपको 4000 में पड़ जाएगा, मुझे तो थोड़ा सा और कम, मैं बार्गेन कर लेती हूँ, 4 में पड़ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ये फ्लावर से फ्लोरल डेकोरेशन किया हुआ है, रंगोली जैसे थोड़ी सी फ्लावर से नवरात्रि के लिए। आज की ये यहाँ पे आपकी ये शॉप है, साड़ी वाड़ी बनारसी साड़ी और ये सब है आपके पास, वो सब रखते हैं आप यहाँ पे, सूट वगैरह भी रखते हैं, मटेरियल भी है, ड्रेस मटेरियल है और वो है। तो ये इधर ही सूर्य होटल में कब से हैं भैया आप? 15 ईयर से। मैं देखूंगी आकर के, अभी तो मैं टेंपल जा रही हूँ, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है ना?